मायरा नजर नहीं आ रही, आपने उसे बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ? हाँ, वो महके गई है ना, आ जाएगी एक दो दिन में। हाँ बेटा। अच्छा आंटी, ये बिलाल भी नजर नहीं आ रहा, काफी अच्छे से मुलाकात नहीं हुई। हाँ बेटा, वो घर पे नहीं है। अम्मी आप उन्हें बुलाएं ना, मुझे मिलना है उनसे। बिलाल भी ना हैदराबाद गया हुआ है अपने ऑफिस के काम से, एक दो दिन में आ जाएगा ना, मिल लेना। शिजा तुम एक काम करो, इन सब लोगों को डिनर पे इनवाइट करो, मुलाकात भी हो जाएगी और गपशप। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा हारिस चले, वो हानिया तंग कर रही होगी ना। हाँ ओके आंटी, हमें इजाजत है। अच्छा बेटा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अरे बेटा आते जाते रहा करो, तुम लोग तो आते नहीं हो, इतना लंबा अरसा हो जाता है, अचानक गायब ही हो जाते हो। हानिया को भी लेकर आना ना किसी दिन। हाँ क्यों नहीं, आप जरूर। तुम्हारी अम्मी और आपा काफी परेशान लग रही है। अच्छा लेकिन मुझे तो फील नहीं हुआ। कैसी बेटी हो यार, तुम्हें अपने अलावा कुछ और नजर नहीं आता ना। लेकिन इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है वो बहुत परेशानी वाली बात है। क्या? वो बिलाल भाई है ना? हाँ। मेरे सामने। वो हाँ। शिजा, लेकिन इसके साथ ही लड़की कौन है? काफी फ्रैंकनेस लग रही है दोनों की। कॉफी। थैंक्स। शिजा, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारे घर वालों ने तुमसे झूठ क्यों बोला। कौन सा झूठ? यही कि बिलाल हैदराबाद गया। हो सकता है कि बिलाल भाई ने उन्हें यही बताया हो। हो सकता है, लेकिन आखिर वो लड़की कौन थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो खुद सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर चक्कर क्या है। शिजा, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। व्हाट्स रॉन्ग? ये तो तुम्हारे घर वालों को पता होगा, ये बिलाल को। हो सकता है वो लड़की उसकी कोई कलीग हो। वो कोई भी हो लेकिन इतनी ज्यादा फ्रैंकनेस नहीं होनी चाहिए, और फिर बिलाल भाई तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। सारे मर्द एक ही तरह के होते हैं, बात सारी चांस मिलने की होती है, जिसे मिल जाए वो एक्सपोज हो जाता है, और जिसे ना मिले वो शराफत का ठोंगा चाहता है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं घर फोन करके पूछती हूँ। ना पूछना, मेरे भाभी ऐसे परेशान हो जाएंगे। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, मारा तो वैसे भी टची है बिलाल भाई के मामले में, रहने ही देती हूँ फिलहाल, कि मुझे बिलाल भाई से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कह तो तुम ठीक रही, बिलाल को पता नहीं क्या हो गया। आपको शिजा को बता देना चाहिए था अम्मी। अरे बेटा तेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं हारिस के सामने उससे बात कैसे कर सकती थी? फिर कब तक लटकाएंगी इस मामले को, वो अचानक दोबारा आ गई तो? तुम्हें ज्यादा मसला है तो तुम बता दो। मुझे दूसरी शादी का शौक नहीं था, आप ही लोगों को था, खुद ही बताएं। अच्छा लेकिन दूसरी बीवी के आगे पीछे तो ऐसे फिरते हो जैसे लव मैरिज कर रखी हो। हिना तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। वैसे अम्मी मायरा की दफा तो इसकी आवाज नहीं निकलती थी, अब तो इसने भी परपुर से निकालना शुरू कर दिया है। वैसे मैं सब समझती हूँ, किसकी जबान बोलने लगे हो। आराम से बैठ कर खाना खा, इस तरह खाना छोड़कर नहीं जाते। चल खाना खा, और तू चुप नहीं रह सकती, खाना खा ले हम सब सुकून से। वाह भाई बड़ी जल्दी खाना खा के आ गए, अम्मा बहनों ने जान छोड़ दी। वैसे क्या फरमा रही थी आपा साहिबा? कुछ नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, आपा तो नींद में भी बातें करती हैं, इसलिए तो उनके साथ बैठ के मैं खाना नहीं खाती। हजार दफा कहा आहिस्ता बोला करो, उन्होंने सुन लिया तो? अरे सुन लिया तो सुन ले, मैं कौन से डरती हूँ और आप क्यों डरते हैं उनसे? मुझे तो अब आदत हो गई उनके ड्रामों की, आपको पता नहीं क्यों नहीं हुई? अच्छा खुदा का वास्ता चुप कर जाओ और जाओ एक कप चाय लेके आओ। यहीं ले आओ या कमरे में चाय नोश फरमाएंगे? यहीं ले आओ।
वैसे अम्मी गलती हो गई जस बिलाल की दूसरी शादी करा दी। अरे मुझे तो ये जरदाशिया ना बिल्कुल भी घर बसाने वाली लड़की नहीं लगती। शौहर को तो खूब काबू में कर रखा है, देखा नहीं आपने? जरदाशिया के बारे में थोड़ी सी भी बात कर तो आंखें निकाल निकाल कर देखता है। अरे जिस मकसद के लिए लाए थे वो तो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता मुझे। सही कह रही है, उसे एक आध बच्चा हो जाए तो फारिग करे इस चुड़ैल को। मायरा पाल लेगी बच्चे को, कम से कम इसकी तरह जबान तराज तो नहीं है। तौबा है बिलाल, कितनी घटिया सोच की मालकन है आपकी माँ बहने। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, आज तो अपने कानों से सुन भी लिया और आंखों से देख भी लिया। क्या सुन लिया? अरे वहाँ बैठी मेरे खिलाफ बातें कर रही हैं, बोल रही हैं एक बार जताशिया से औलाद हो जाए दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंकूंगी मैं इसे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं बता रही हूँ ना क्या कर सकते हो, कहीं भी तुम किराए का घर ले लो, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इनके साथ ही रहना आप मुझे। तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा होगा, जब अम्मा बहने बातें करती हैं तो सब सुनाई देता है, अगला इंसान कितनी बकवास करता रहे कुछ समझ ही नहीं आता आपको। ऐसा कुछ नहीं है, और प्लीज अब खामोश हो जाओ। अच्छा बिलाल देखें मैं खामोश हो जाती हूँ, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं आपकी माँ बहनों के साथ नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती। कई भी दो कमरों का अलग घर ले लो मैं वहाँ रह लूंगी, मैं इन चुड़ैलों के साथ अब और नहीं रह सकती। भाई उसैद एक बात पूछूं? हाँ क्यों नहीं। तुमने बिलाल की दूसरी बीवी को देखा था ना? हाँ देखा था। क्यों क्या हुआ सर? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हर किस नहीं, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर बिलाल ने दूसरी शादी क्यों की? कैसी बातें कर रही हो मायरा, तुम्हें अच्छी तरह पता है बिलाल ने ये शादी क्यों की है, और अब तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना होगा, कोई ना कोई फैसला करना होगा तुम्हें। शुक्र है उस ब्लैकमेलर पर उसका दोबारा फोन नहीं आया, शायद अकल आ गई होगी उसे। लड़कियां कितनी पागल होती है, चंद झूठे लफ्जों के लिए अपनी सारी जिंदगी की इज्जत दांव पर लगा देती है। ये गजबर की जुबान है बिलाल की दूसरी बीवी की। अरे तो हुआ करे, हमें क्या? लो तुम्हें क्यों नहीं? अरे भाई बेटी का ससुराल है, भी रिश्ता टूटा थोड़ी है। बस समझो कि टूट गया। कैसी बातें कर रही है भाभी, मास भी कभी नाखून से जुदा हुआ है? अरे वो लड़की उस घर में टिकने वाली नहीं, आखिर मायरा को एक ना एक दिन तो जाना ही है। वो लड़की उस घर में बसे या ना बसे, अब मायरा उस घर में नहीं जाएगी। भाई बेटी से तो पूछ लो, इतना समूह निकला है चार दिन में। मैं ठीक कह रही नन्ही खाला, मुझे अब बिलाल के साथ नहीं रहना। जरताशिया ये फीडर धोकर ला दो, मैं नौकर नहीं हूं, मैं अपने लिए नाश्ता बनाने जा रही हूं, हीरा को कह दें। सुना आपने? अरे तो कह दो ना हीरा को। हीरा से क्यों को? नवाबजादी है ये जो ये फीडर नहीं धो सकती? हाँ क्योंकि ये नवाबजादी का बेटा नहीं है, आपका बेटा है, अगर नहीं पाल सकती ना तो दे दे इसके बाप को। जरताशिया जबान संभाल कर बात करो, अरे तमीज नहीं है तुम्हें बड़े छोटे की? अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, और इसमें छोटे बड़े की तमीज की कहाँ से बात आ गई? जरताशिया किचन में जाओ। सारा जोर ना बस मुझ पे ही चलता है आपका, क्योंकि किसी और को तो कुछ कह ही नहीं सकते आप। देखा तुमने ये इज्जत है मेरी इस घर में, मेरी तो किस्मत खराब है, जिसके साथ अच्छाई करो वही आकर मेरे सर पर जूते बांधता है, यही कसर रह गई कि किसी दारुल अमान में जाकर रहूं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे आपा ऐसा नहीं है, आप हमारी बड़ी बहन हैं। हाँ बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, एक टके की इज्जत नहीं है मेरी इस घर में, मैं बता रही हूँ अम्मी मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही है, कहाँ जाएगी तू? कहीं भी चली जाओगी, अगर कहीं जगह ना मिली तो ट्रेन के नीचे आकर खुद को अपने बच्चे को मार डालूंगी, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी, तुम्हारी बीवी के हाथों जलील नहीं होती रहूंगी मैं। हल्ला ना करे, क्या अल्फाल पके जा रही है तू? जरताशिया
ताशा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? माफी मांगो आपा से। किस खुशी में माफी मांगू? तुमने इनसे बदतमीजी की है, माफी मांगो। क्या बदतमीजी की है? अरे मैंने कौन सी बदतमीजी कर ली इनसे? फुजूले माफी मांगो। तौबा तौबा, कैसे मुंह पे झूठ बोल रही हो? अरे कितनी बदतमीजी की है तूने इसके साथ? अपनी बेटी को तमीज सिखा दे, वो कम बदतमीजी क्या? मुंह भर भर के भावच को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, वो नहीं सुनाई दे रहा था आपको? तौबा तौबा, कब उसने बदतमीजी की तेरे साथ है? सरताशिया, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, माफी मांगो आपस में। आखिरी बार बोलो या पहली बार बोलो, जब कह दिया कि माफी नहीं मांगूंगी तो नहीं मांगूंगी। सरताशिया ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। तुम माफी नहीं मांगोगी? नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। तुम आपस से माफी नहीं मांगोगी? अरे बोल तो दिया, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। बिलाल, मिल गई कलेजी को ठंडक, टिकवा दिया अपने भाई से। ऐसी नन्हे होती है जो खाना खराब करती है पांच जगह। खुदा गारत करे ही ना, जिस तरह दूसरों के घर खराब करती है, अल्लाह उनके दिल का सुकून भी खराब करेगा। वैसे बहुत अच्छा किया बिलाल ने उसके साथ। और तुझे क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की, ड्रामा करने की? ड्रामा ना करती ना, आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाता। और वो जो कमरे में अपने आप को बंद किए बैठी है वो? कुछ नहीं होगा, भूख प्यास सताएगी ना तो निकल आएगी बाहर। देखे ना, सोच ले कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होता ना अम्मी, एक तो आप छोटी छोटी बातों को ना दिल पे लगा लेते, परेशान हो जाती, कुछ नहीं होगा। और ये बिल्ले को क्या जरूरत पड़ी थी जरताशिया पर हाथ उठाने की? अरे आराम से भी तो बात कर सकता था। तो दुनिया की कौन सी पहली औरत है वो जिस पर किसी मर्द ने हाथ उठाया? आपका दामाद हाथ नहीं उठाता था मुझ पर, वो नहीं याद आपको? बहू का बड़ा मकसद आ रहा है। अरे हिना, तेरा उसका क्या मुकाबला है? मुकाबला है मेरा हर उस शादीशुदा औरत से मुकाबला है जो अपने घर में खुश है और उसका मियां उसकी कदर करता है। मेरा घर नहीं बसा, किसी का बसने नहीं दूंगी। हाय अल्लाह हिना, मुझे तो लगता तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे पागल हो गई है तू? पागल पागल वागल नहीं हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आजो आजो, मैं खेलती हूँ। आजो आजो, बाहर चलते हैं। आजो आजो जैन, आजो। इतने सारे टॉयज, लेकिन हानिया इस तरह के टॉयज से नहीं खेलती। ये हानिया के लिए थोड़ी हैं। तो फिर आप खुद खेलेंगे इनसे? नहीं यार, मेरा बेटा असफन खेलेगा। असफन? कौन असफन? वही जो कुछ महीने बाद इस दुनिया में आने वाला है। हारिस क्या हो गया आपको, आप पागल तो नहीं हो गए? पागलपन वाली क्या बात है, आपने तो नाम भी फाइनल कर लिया। अगर बेटी केशिजा, इससे आगे कुछ मत कहना। मेरे कुछ कहने ना कहने से किस्मत का लिखा तब्दील नहीं हो सकता। तुम दुआ तो कर सकती हो ना? आपको क्या पता हारिस, बेटी के लिए आपका दिन ब दिन बढ़ता जुनून मुझे किस कदर खौफ ज़दा कर रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी यही दुआ करने पर मजबूर हूँ, वरना मुझे एक और बेटी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm sorry, जरताशिया। बात मत करें मुझसे आप। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन तुम भी तो मुझसे बात नहीं कर रही हो। आप जैसे मर्द के साथ ना उसकी बीवी सारी जिंदगी बात न करे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो मर्दी मारी गई थी जब मैंने आपसे शादी कर ली। जितना गुस्सा भी तुम्हारे दिल में है निकाल दो, मैं एक लफ्ज तक नहीं कहूंगा। आपको पता है मिला, आपका शुमार मर्दों की उस किस्म में होता है जो अपनी बीवी पर अपनी माँ बहनों को ज्यादा मौकियत देते हैं। बीवी की इज्जत करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे आप जैसे शौहर की जरूरत नहीं है जो सारी दुनिया के सामने अपना रौब जमाए, थप्पड़ मारे और कमरे में आके पुछ पुछ करके माफी मांगे। मैं मारा नहीं हूँ बिलाल, मैं सरताशिया हूँ। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया, अब आके माफ कर दो, माफ कर दो। पागल दिख रही हूँ भैया, मैं चले। अरे
सुबह के 10 बजने वाले हो गए, ये जरताशी अभी तक नहीं उठी। मुझे तो लग रहा है कि इसका इरादा ही नहीं उठने का। हाँ, एक ही थप्पड़ का 3 दिन से सोग मनाया जा रहा है। हेरा, जा तू पराठे और अंडे बना दे। जी, चाय पी लूं फिर बना के देती हूँ। रहने दे अम्मी, कल भी इतने बुरे पराठे बनाए थे इसने। अच्छा तुम यूं करो, ये जैन को संभालो, आज नाश्ता मैं बनाती हूँ। नाश्ता नहीं बनाओ तो जैन को संभालो। आओ जैन, हम बाहर खेलेंगे। आओ अबू चाय। थैंक यू बेटा। आप तबीयत कैसी है? जी रहा हूँ बेटा। तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? अम्मी? अम्मी पड़ोस में गई हैं। अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। अब्बू, वो बात दरअसल ये है कि पापा, अम्मी, पापा, क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही है? पापा, वो उस शाहिद भाई ने ज़ैन को छीन कर ले गए मुझसे। क्या मैं क्या कह रही है? ज़ैन कौन ले गया मेरे बच्चे को? कौन ले गया उसे? ज़ैन, ज़ैन, वो यहीं से ही गया गाड़ी में। गाड़ी, ज़ैन, आप रुके, आप हिना, ए हिना कहाँ जा रही है? ए बात तो सुन। अल्लाह,